आपने पर्ल्स कैंडी जरूर खाई होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं जब इसको लॉन्च किया गया था तो स्टार्टिंग के 8 महीनों में लगभग 100 करोड़ कैंडीज बिक चुकी थी, वो भी बिना किसी मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट के। अब दोस्तों ये कैसे पॉसिबल हो पाया वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए 2015 में क्या होता था, जो भी कैंडीज आती थी या तो वो खट्टी मिट्टी होती थी या फिर वो मीठी होती थी। तो जिस कंपनी ने पर्ल्स को बनाया उन्होंने सोचा क्यों ना कुछ मार्केट में ऐसी कैंडी लॉन्च की जाए जो एकदम अलग हो। तो इन्होंने कच्चा आम के टैंगी फ्लेवर के साथ मसाला डाल के कैंडी बना डाली और उसको मार्केट में लॉन्च कर दिया। तो जब भी इस कैंडी को स्टार्टिंग में लोग खाते थे तो उन्हें समझ में ही नहीं आता था इसके अंदर से जो पानी निकल रहा है वो कहां से निकल रहा है। तो चीज को समझने के लिए लोगों को कम से कम 2 से 3 बार ये कैंडी खानी पड़ती थी, उसके बाद में वो डिकोड कर पाते थे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। इसके अलावा इसका टेस्ट भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया, इसीलिए बहुत बड़ी हिट हुई। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, पर्ल्स कैंडी को लॉन्च करने वाली जो कंपनी है कोई नई कंपनी नहीं थी, वो एक बहुत पुरानी कंपनी थी जिसका नाम है डीएस ग्रुप, जिनके ऑलरेडी प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं जैसे कि बाबा इलायची, रजनीगंधा, पास। तो इनके पास पान वालों का बहुत ही अच्छा नेटवर्क था जिसकी वजह से बहुत ही कम टाइम में इन्होंने अपने प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बना लिया, वो भी बिना किसी मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट के। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो जरूर करें।